गाइस गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छी नींद पूरी हुई है और काफ़ी अच्छे से थकान उतर गई है। पैर तो भाई साहब जवाब ही दे गए थे, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट चाय पिए और अब नहा धो के निकलेंगे त्रिवेंद्रपुरम के लिए। पद्मा स्वामी टेम्पल जाएंगे, कह रहे कि वहाँ पे लुंगी पहन के और बेयर बॉडी जाना पड़ेगा। साउथ में आए और लुंगी नहीं पहनी तो क्या मज़ा आया, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। गाइस 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 अब आ रहे हैं मज़े, क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे जात के लोग यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं। रास्ते से ही जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब इतनी भीड़ भाड़, थोड़ा तो नॉर्मल लगने लग गया है अब, और इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। और हमने तभी रेस भी लगाई, मतलब पता नहीं अब मैं यहाँ पे डालूंगा तो घर वाले क्या बोलेंगे उसको। लेकिन मतलब एक आदमी मिला जो बहुत ही तगड़ी गाड़ी चला रहा था, हमने रेस लगाई, फाइनली उसको पीछे किया और अच्छा तो लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है आगे का सफ़र जो है बहुत बेहतरीन होने वाला। फर्स्ट टाइम इन द एंटायर ट्रिप ब्रेड पकौड़ा मिला हमारे को यार, नाश्ता ही नहीं तो यहाँ पे कहीं पे भी। क्या है, चाय कॉफ़ी? ब्रेड पकौड़े का टेस्ट जो है हमारे यहाँ जो मिलता है वैसा ऑथेंटिक टेस्ट तो नहीं है, बट इसका टेस्ट जो है मस्काबन जैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को तो यार, इतने दिनों बाद ऐसा कुछ खाने को मिला। ब्रेड थोड़ी ज़्यादा मीठी है, ब्रेड मीठी है बट लेकिन अच्छा लग रहा है मस्काबन, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है। गाइस अभी मंदिर के दर्शन तो होंगे 4:30 बजे, लेकिन सुदीप ने बताया कि यार इंडिया का सबसे बड़ा मॉल अपने आसपास ही है, लुलु मॉल नाम है इसका। तो हमने कहा क्यों ना हम चेक करा। अब ये देखो आप, पार्किंग इतनी बड़ी है कि आप अगर घूम भी सकते हो मेरे जैसा आ जाओ तो। पूरी ऑटोमेटेड पार्किंग है, अंदर हम आए उसने ऑटोमेटिक RFID से हमारा जो नंबर है गाड़ी का वो रीड कर लिया है, उसके बाद आप देखेंगे तो एग्जिट पे ऑटोमेटिकली वो पता लग जाएगा कितना टाइम अभी हुआ है क्या है। पार्किंग अंदर यहाँ से ऊपर रेड लाइट है, गाड़ी घुसते रेड लाइट जाती है, हर पार्किंग काउंटर के बाद दिखा हुआ है कि अंदर कितनी पार्किंग स्लॉट्स वेकेंट है। ऑटोमाइजेशन मतलब अच्छा है यार, अच्छा है। पता नहीं था कि हम लोग मॉल जाएंगे तो मैं ऐसे ये पहन के आ गया। अब मेरे को ये नहीं बोल देगा कि नो चलना नहीं है, भगाने नहीं चाहिए मेरे को। काफ़ी दिनों बाद आके नॉर्मल लग रहा है, अभी तक ऐसा लग रहा था हम लोग रिमोट लोकेशन में, लेकिन तिरुवनंतपुरम आके काफ़ी एकदम नॉर्मल सा हो गया ज़िंदगी। ऐसा लग रहा है कि हम हमारे एरिया में ही घूम रहे हैं, और मॉल का तड़का लगते ही तो बात और निराली हो गई। कुछ खाने की जगह आवे अभी एक मस्त चीज़ हुई, हम लोग सेकेंड फ्लोर पर आ रहे थे कुछ खाना खाने के लिए, और यहाँ पे कुछ बैंक के एग्जीक्यूटिव से देखती सर 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 क्रेडिट कार्ड सर, तो आप कोई से भी स्टेट में चल जाओ इंडिया के, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है। आज का दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, सुबह ब्रेड पकौड़ा मिला और अभी हम खा रहे हैं, नेगडी पे आए हैं सब बर्गर खाने, मतलब इडली और सांभर के बाद में आपको अगर सीधे बर्गर मिल जाए क्या बोलता तू? सही बात है, कह रहा है हम नेगडी नहीं, जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, बट आज तो एक्साइटमेंट अलग ही है। दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग, मॉल के अंदर ही देखो रोलर कोस्टर है, ये पता नहीं कौन सा झूला है। हाँ भाई रोलर कोस्टर पे घूम ले मैं क्या? मैं ढूंढ रहा हूँ वो एक हैमर वाला आता ना वो है। हाँ 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 वीडियो में देखा अभी तक। तो गाइस बात ऐसी है कि मॉल में तो है खूब सारी दुकानें, बट आदमी जो है केवल अपने काम की चीज़ देखता है। तो सुदीप ने बताया कि ये अजमल नाम का कोई ब्रांड है यहाँ पे, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस मिलती है, तो अपन तो शौकीन है ही फ्रेगरेंस के, तो एक बार जाके ट्राई करते हैं और कुछ पसंद आता है तो लेते हैं। सो गाइज हम लोग अजमल पर आए थे और ये हैं हमारे साथ में मिस्टर आबाद, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तरह की फ्रेगरेंस हमारे को सुंघाई है, और
सुंगाने के बाद में मतलब देखो बिल तो बन ही जाता है भाई का, 5,000 का बिल बन गया है, बट द गुड पार्ट इज इनने हमारे को गिफ्ट दिया है ब्रो। अच्छा दीज आर सेम, दीज आर सम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स, सो थैंक यू मिस्टर आबाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फ्रेग्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बट मेरे को लगता है अब ये वीडियो देखने के बाद में हर्ष भाई जो है अपने परफ्यूम्स के रेट केवल मेरे लिए महंगी कर देंगे। 50 ml परफ्यूम फॉर 4,000 और एक 15 ml का है तो 1,000 रुपये का है। खुशबू बेहतरीन थी तो हमने कहा ले लेते हैं, बट लेट्स सी। सो गाइज वी आर एट पद्मास्वामी टेम्पल और अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है जैसा कि ये बता रहे हैं, और एक ये है कि यहाँ पर आपको केवल लुंगी पहन के जाना है। सो ये भैया जी हैं हमारे बिल्कुल टेंपल के बाहर ही, यहाँ पे लुंगी बेच रहे हैं, तो 50 rupees फॉर द लुंगी एंड 50 rupees फॉर दिस गमछा काइंड ऑफ थिंग। सो सुदीप को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगा और मेरे को वैसे भी पुराना आर्किटेक्चर देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी लर्निंग मिलती है उससे और एक्साइटमेंट भी रहता है। तो अगर सुदीप नहीं होता तो फॉर श्योर मैं इस मंदिर में आता नहीं, वो था उसने बोला कि मंदिर चलेंगे तो हम लोग मंदिर आएँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो थैंक यू सुदीप। इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज कि जो हमने जिस जगह पर पार्क किया है गाड़ी को वो यहाँ से करीब 150 से 200 meters दूर है और सरकारी व्यवस्था थी तो हमने सोचा कि यहाँ पर पार्क करना सबसे ज़्यादा सेफ होगा। अब वहाँ पर हमने पार्क किया, हमने धोती पहनी, हमने गमछा डाला और बेयरफुट हम लोग 150 से 200 meters चल के आए यहाँ पे। अब यहाँ पे गर्मी जिस लेवल की है तो सड़क हो चाहे यहाँ की ये ज़मीन हो, इतनी गर्म थी कि मेरे तो पैरों में छाले पड़ चुके हैं। और फिर यहाँ पर आगे मालूम पड़ा कि यहाँ पे भी पूरी व्यवस्था है पार्किंग की, नहीं तो यहाँ पर आप कीपिंग स्टोर्स हैं तो यहाँ पर आप अपने कपड़े, अपने मोबाइल, जो जो चीज़ें अंदर अलाउ नहीं है वो सब यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट पे करके रख सकते हो। तो अगर आप कभी आओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पार्किंग कहीं पे भी करो लेकिन आप चेंज करना हो या सामान रखना हो तो बिल्कुल मंदिर के गेट से जस्ट पहले आके रख सकते हो। चेंज कर लिया है बट द टायर अंदर तो जाने के लिए बस ऐसा एक है। चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के लिए कि ये शायद हमारी लाइफ की सबसे फास्टेस्ट दर्शन है। हमने एक 50 rupees की स्लिप ली थी और आप मानेंगे नहीं, मंदिर से जब हम मंदिर के गेट से मंदिर में एंटर हुए उसके बाद 2 minutes में तो हम दर्शन करके बाहर, 2-3 minutes हमने भगवान के सामने रुके थे हम, तो 5 minutes के अंदर हमारे सारे दर्शनों के हम बाहर आ गए। जिस हिसाब से मंदिर का नाम है उस हिसाब से बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हमको ऐसा लग रहा था ये छोटा वाला मंदिर है, असली मंदिर अंदर है।